अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने एक जाली का बंडल है। ये पोल्ट्री जाली इसे कहते हैं हम। ये जो है हमारे पोल्ट्री शेड के अंदर में यूज़ होती है, साइड से जो हम लगवाते हैं। तो ये हमने अभी दो बंडल मंगवाए हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो शेड है वो 60 फीट का शेड है, उसकी लंबाई जो है 60 फीट है। तो उसके लिए हमने 5x60 की ये जाली मंगवाई है, दो बंडल। तो ये अभी हमारी जो है आई है, और अब इसे जो है हमारे पोल्ट्री फार्म में लगवाने वाली है। तो किस तरीके से लगवाना होता है आपको भी हम बताएंगे। वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमने अभी हाल ही में हमारी एक वेबसाइट बनाई है। अगर आप पोल्ट्री से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन या फिर पोल्ट्री से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट, इनक्यूबेटर से रिलेटेड सामान अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे विज़िट करके आप वहाँ से जो आपको लगता है मेडिसिन वगैरह सारे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी मंगवा सकते हो। तो हमारे वेबसाइट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो स्क्रीन के ऊपर में मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस पर भी आप मुझे हाई करके भेज सकते हो, तो आपको हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। उससे उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो, और आपको जो भी मेडिसिन या फिर कोई भी इक्विपमेंट ख़रीदना है तो आप वहाँ से ऑनलाइन ख़रीद सकते हो। तो बाय करने के बाद आपको ये 8 से 10 दिन में आपके घर पर ये मिल जाएगा। और हमारा और एक चैनल है जावेद ब्लॉग के नाम से, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फाइनली हमारी जो एक साइड की जाली है पूरी कंप्लीट हो चुकी है लगाकर। अभी हम जो है दूसरी साइड की जाली लगा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको लगाना काफ़ी आसान है। जैसा आपने वीडियो में देखा है कितनी आसानी से हमने जो एक साइड की जाली लगा ली है, और अब हम दूसरी साइड की जाली जो है लगा रहे हैं।
की जाली भी जो है लग चुकी है और हम आधा जाली जो है अभी छोड़ रहे, लगा नहीं रहे ताकि हम मुरम अंदर आसानी से डाल सके। जैसा कि देख रहे हैं जाली कितनी अच्छी तरीके से और प्रॉपरली जो है ये पूरी लग चुकी है। तो जैसा कि आप देख रहे, और इसका जो जाली का हमारा साइज़ है, गाला जो होता है बीच का, तो वो 1 इंच का है। और ये जाली जो है हमारी 5x60 फीट की है, जैसा कि आप देख रहे हो। अभी हम जो एक एक स्क्रू निकाल रहे हैं टीन का ऊपर का, ताकि हम जाली को इसके अंदर फंसा सके। जाली जो है हमारी टीन के पीछे, टीन के नीचे आएंगी, उसके ऊपर में हमारा टीन आएगा, ताकि और इसको जो है मजबूती मिल जाए और कोई जानवर वगैरह या फिर किसी चीज़ से हमें इसको नुकसान ना हो। और ऊपर से जो है इसे हम किले मारने वाले, नीचे से जो है ये जो हमारी जाली है वो नीचे से टीन के सपोर्ट से जो है फिट हो जाएंगी, और साइड से जो हमने इसको तार बांधा है। तो इसी तरीके से जो है आप भी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है तकलीफ़ नहीं जाएंगी। और जैसा कि मैंने कहा, आपको हमने पूरी जाली नहीं लगाई है दूसरी साइड की, क्योंकि इसके अंदर जो हमें ये मुरम जो है अभी डालवाना है, इसीलिए जो हमने इसको पूरी जो है जाली हमने नहीं लगाई है, ताकि मुरम डालते समय जो है हमें आसानी हो और हम फिर जो अच्छी तरीके से जो है मुरम डाल सके। तो जैसा कि देख रहे, जाली हमारी पूरी लग चुकी है और ये जो है हमारा मुरम है जो कि हम अंदर डालने वाले हैं। तो उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इंशाल्लाह, वो हमारा इसकी लाइन फिटिंग के बारे में और कुछ और जो चीज़ें होती है इसके अंदर में बनने के बाद, क्या क्या चीज़ें हमें लगवाना होता है, किस किस चीज़ों के हमें ध्यान रखना होता है, उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही में जो है इसको बेल आइकन को भी दबा दीजिए।